नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं मई एक का खास पाठ। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों की अहम भूमिका होती है। कामगारों के बिना कोई भी औद्योगिक ढांचा खड़ा नहीं रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को मानी जाती है। मजदूरों ने काम के घंटे तय करने की मांग को लेकर 1877 में आंदोलन शुरू किया, जब अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम का समय 8 घंटे से अधिक न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। 1 मई 1886 को पूरे अमेरिका के 11,000 फैक्ट्रियों के लगभग 3,80,000 मजदूर शामिल हुए। इस हड़ताल के समय शिकागो के है मार्केट में बम धमाका हुआ था। यह बम किसने फेंका, किसी को कुछ पता नहीं। इसके निष्कर्ष के तौर पर पुलिस ने श्रमिकों पर गोली चला दी और 7 श्रमिक मारे गए। भरोसेमंद गवाह, प्राथमिक अखबारी रिपोर्ट और घटना स्थल पर एक टेलीग्राफ खंबा जो गोलियों के छेद से भरा हुआ था, जो सभी पुलिस की दिशा से आई थी। इसके कुछ समय के बाद अमेरिका में 8 घंटे का कार्य करने का समय निश्चित कर दिया गया था। भारत में मजदूर दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया था। भारत में मद्रास के हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। भारत समेत लगभग 80 मुल्कों में यह दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत और अन्य देशों में श्रमिकों के 8 घंटे काम करने से संबंधित नियम लागू है। और अंत में क्या आप जानते हैं, 1 मई 1914 को कार निर्माता कंपनी फोर्ड दुनिया में पहली कंपनी थी जिसने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए 8 घंटे के काम का नियम लागू किया। 1914 से पहले मजदूरों से 21 घंटे से भी ज्यादा काम कराया जाता था। और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। इससे पहले ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। महाराष्ट्र में इस दिन को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात में इसे गुजरात दिवस के नाम से भी जाना जाता है।